अब चाइना वाले भी ना यार गजब है यार। मतलब साला बताओ चमगादड़ कौन खाता है बे? हैं मतलब साला हमारे यहाँ चमगादड़ जहाँ रहने लगे साला उसको खंडहर घोषित कर दिया जाता है। Hey, good morning, guys. Welcome back to the channel. So today is day 11th, I believe. And अभी फ़िलहाल हम हैं लेह में और हम लेह से निकल रहे हैं सोमरेरी लेक जाने के लिए। अब ये सोमरेरी लेक एक्चुअली हमें कल जाना था, बट कल अगर आपने पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि हम कल कुछ एक्स्ट्रा करने लिंसेट की तरफ चले गए थे। तो अच्छा है कल रात में बारिश हो रही थी, मौसम अभी अच्छा है, सुबह सुबह धूप निकली थी, फिर पता नहीं कहाँ सन गायब हो गया। भाई कहाँ गए? ऊपर है भैया। तो एक बैग लेके जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बैग है, लैपटॉप और कैमरा गैजेट्स और बाकी सारी चीज़ें, वो लेके मैं गाड़ी में हमेशा अपने साथ रखता हूँ, तो खुद से ही गाड़ी करता हूँ। और ये सबसे मेरे सारे बैग्स में से सबसे ज़्यादा हैवी बैग ये है। तो अब इसको गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी अच्छी लग रही है, गंदी हो गई है। सो थैंक्स टू वेकेशन क्लब जिन्होंने हमारा होटल का स्टे को एक्सटेंड किया और बहुत ही कंफर्टेबल बनाया यार, बहुत ही मज़ेदार। अब सोमरेरी में एक्चुअली हमें होटल खुद से लेना है, तो वो अभी देखते हैं कैसे लेते हैं, क्योंकि यार पता है क्या, इतने दिनों से ना सारी चीज़ें वेकेशन क्लब वाले कर रहे थे, लोकेशन आ जा रहा था, होटल आ जा रहा था, खाना आ जा रहा था, तो अब वो ना अब मेहनत मशक्क़त खुद से करनी पड़ेगी। सो इट्स 9 o'clock और अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं अपने होटल से ले में। सोमरेरी का डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। अभी अपने को एक काम करना है, अभी अपने को गाड़ी थोड़ी सी साफ़ करनी है, गाड़ी में थोड़ा सा पानी डालना है, और उसके बाद क्योंकि वाइपर ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो अभी पानी का जो हम 6 कैरेट लेके निकले थे उसमें से सिर्फ 1 कैरेट बचा है। दिस इंटायर ट्रिप हैज़ बिन स्पॉन्सर्ड बाई Budmo.com, दे आर द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। अगर आपको गाड़ी का कोई भी सामान चाहिए तो आप Budmo से जाके ऑर्डर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं Budmo का लिंक दे दूँगा। मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन होने से आपको प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लगा दिया जी GPS अपने पास, यहाँ पे दिखा रहा है अपना डिस्टेंस, दिखा रहा है कि दोपहर में 3 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम रास्ते में बहुत जगह रुकने वाले हैं, तो टाइम लगने वाला है। और सोमरेरी की जो हाइट है 15,800 फीट पे है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पैंगोंग से ज़्यादा हाइट है, तो देखते क्या होता है, ठंड भी ज़्यादा रहेगी, मज़ा भी ज़्यादा आएगा। बोलो श्री अम्बे मात की जय। तो क्योंकि अपने पास पानी बस 1.5 कैरेट बचा है, और पानी और खाना हम बहुत कैरी करते हैं, ले लो यार 1 कैरेट ले लो, अब क्या क्या 100 रुपए के लिए क्या ही करेंगे। तो हम जो पानी खरीदते हैं दिल्ली से, वो खरीदते हैं 130 का पूरा कैरेट, यहाँ पे 230 है, विच इज़ ओके, क्योंकि यार 100 रुपए के लिए जान थोड़ी ना देना है ना भैया। रात वात तक ही पहुँचेंगे, हमें जल्दी निकलना था, बट वी आर लेट, वी आर सुपर डुपर लेट। सो जहाँ कल रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, आज देखो यार बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। एक्चुअली लद्दाख में, लेह में अभी भी वीकेंड लॉकडाउन है, तो वीकेंड के समय ना बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं रहती हैं, और आप वीकडेज में ट्रैवल करोगे तो आप बहुत सारे लोगों को मिलोगे। प्लस हमने लद्दाख मतलब लेह सिटी एक्चुअली ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज लेह सिटी ना कभी भी फ्लाइट से आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो बाकी डेस्टिनेशंस हैं ना वो विंटर्स में सारे बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट। तो हमने सोचा कि यार लेह तो बाद में कर लेंगे, लेह पैलेस। सो यहाँ पे डीजल ले लेते हैं, क्योंकि डीजल आगे फिर हमें सीधे टांडी में मिलेगा, और हमें पहले सोमरेरी जाना है, और उसके बाद वहाँ से बार लाचला और बाकी जिंगजिंग बार और पागल नाला वगैरह क्रॉस करके टांडी पहुँचना है मनाली, एंड उसके बाद एक्चुअली मनाली। तो डीजल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, तो स्पेशली। तो बेसिकली अभी हम है केलोंग लेह हाईवे पे, और ये सेम रास्ता अपने को पैंगोंग लेक भी ले जाता है। तो अब देखते हैं, 27 किलोमीटर तक इसी रोड पे रहना है। ग्रीनरी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। अब क्योंकि सन सामने से है ना, तो बहुत चीज़ें आपको अंदर से उतना समझ में नहीं आ पा रही है। अच्छा अच्छा हाँ, तो भैया इधर उधर लोग को भी देख के चलना पड़ता है, क्योंकि कोई कहीं भी ब्रेक मारता है। बाकी ग्रीनरी की बात करें तो देखो, कारू पहुंच गए हैं,
और यहाँ से 15 किलोमीटर उपसी है। सो ये बेसिकली ले मनाली वाला जो रोड है ना, एग्जैक्टली उसी पे हम चल रहे हैं। अब जहाँ पे हम जा रहे हैं जो कि है सोमरीरी लेक, वो हम पैंगोंग से भी जा सकते थे मिराक विलेज होके, बट क्योंकि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना मिराक से आगे जो रास्ता है ना सोमरीरी का, वो उसकी परमिशन नहीं है। सो ये सामने बोर्ड लगा उपसी में, लोमा नुमायू चुमंगथांग और हानले के लिए इधर, बट आपको अगर मनाली सरचू और इस साइड जाना है तो यहाँ से आपको लेना है जी टुवर्ड्स राइट। अबाउट ऑफ 170 किलोमीटर्स विच इज़ लेफ्ट, 106 किलोमीटर तक हमें इसी रोड पे रहना है। अब ये रोड कितने देर तक अच्छा रहता है, कितने देर तक ख़राब रहता है, वो तो आगे ही पता चलेगा क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल तो रोड बहुत अच्छे है। 6 गियर पे 70-80 का स्पीड है, 130 किलोमीटर्स है नोमा, उसके पहले आएगा चुमंगथांग, शायद यही नाम है इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। तो जो भी आएगा, जैसा भी आता रहेगा, बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बने रहिए, मंडल आपका आभारी है। तो जी जैसे हम उपसी से अंदर 15 किलोमीटर आए, पूरा का पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया यार, पूरा का पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया। कहाँ वहाँ पे हमें बहुत सारी गाड़ियाँ मिल रही थी, बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा था, ओवरटेक करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी बट ओवरटेक करना पड़ रहा था। यहाँ पे भैया आप अपने खुद के भरोसे हो, यहाँ पे ना कोई गाड़ियाँ हैं ना कोई ट्रैफिक है, यहाँ पे सिर्फ मस्त नज़ारे हैं, उतर के दिखाना तो बनता है। तो ये है सामने नदी, अभी ये कौन सी नदी है ये भैया, इसमें पता चलेगा क्या? चलेगा। पैंगोंग लेक रोड बोल रहा है, नदी कौन सी है? चलो कोई बात नहीं, गूगल करेंगे बाद में। तो यहाँ पे रुक गए हैं और कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा यार, गज़ब ही माउंटेंस है। प्लस ऐसा ही कलर कल अभी हमें रिवर का मिल रहा था, और देखो कितना प्यारा है यार, कितना सूदिंग है, पानी की जो आवाज़ है ना कलकलाहट, बहुत ही अमेजिंग लग रही है यार। थोड़ा गहरा है तो, मतलब गहरा इन द सेंस कि वहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़े पत्थर है। ऐसे रिवर में कभी भी ऐसे वाइट ऐसे रैपिड बने ना, तो समझ जाओ कि वहाँ पे ना पत्थर है। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड हिमाया, और ये हिमाया ब्रिज है। इसके पहले हमने एक ब्रिज क्रॉस किया था और ये दूसरा ब्रिज था, तो वापस से नदी हमारे इस साइड आ गई है। थोड़ी देर पहले तक नदी हमारे इस साइड थी, तो ये चलता रहता है यार, कभी रिवर इस साइड कभी इस साइड, जैसे ही ब्रिज क्रॉस करो या जैसे ही कोई क्रॉसिंग आती है तो रिवर का डायरेक्शन तो रिवर तो एक ही डायरेक्शन में बह रही है ना, साइड चेंज है गुरु। अगर ये चीज़ हम शायद मिस कर देते ना, क्योंकि कल हमारा ना एक थोड़ा डामाडोल हो रहा था कि हम जिस्पा निकल जाते हैं, यू नो मनाली के साइड निकल जाते हैं, एंड फिर हमने सोचा यार इतनी दूर आए, इतनी ज़्यादा दूर आए, इसको करने के लिए ना वापस से ले आना पड़ेगा। तो यार एक दिन एक्स्ट्रा निकालते हैं और इसको करके ही चलते हैं। सो कियारी इज़ 18 किलोमीटर्स, और यहाँ पे ना छोटे छोटे गांव हैं और गांव को कनेक्टिंग ऐसे ब्रिजेज हैं। देखो ऊपर छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा घर नहीं है, 10-15 घर है, ऐसे छोटे छोटे घर हैं। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, मतलब पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया था कि जहाँ भी आपको गांव मिलेंगे ना वहाँ पे आपको हरियाली मिलेगी। लेवल डेडिकेशन है भाई, अलग लेवल डेडिकेशन है। मतलब किस तरह का वीडियो चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, गोप्रो से चाहिए, इस ग्रुप को गोप्रो से चाहिए। और ऐसा ना, मतलब ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेच है, ये पूरा स्ट्रेच ही ऐसा है यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत ही खूबसूरत है यार। आप सोमरूरी प्लीज़ मिस मत करना, मतलब हम तो एक बार के लिए सोच रहे थे कि हम सोमरूरी शायद छोड़ दें, बट जो ड्राइव है ना यार, सोमरूरी लेक तो डेफिनेटली आपको आने वाले वीडियोस में दिखेगा, बट ये जो ड्राइव है ना भाई, कतई जहर है, कतई जहर, देख रहे हो लड़के को। और आप जब लद्दाख आओ तो जियो का पोस्टपेड लेके आना। देखो हमारे पास ना एयरटेल पोस्टपेड है, वोडाफोन पोस्टपेड है, एयरटेल और वोडाफोन में सही से इंटरनेट नहीं चल रहा है, स्टोरीज अपडेट करने में भी एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है। जो जियो है ना
भाई जियो जियो है भाई, जियो जियो है सीरियसली यार. मतलब वी हैव सीन पीपल एट पदुम एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब इतना आउटस्कर्ट्स लोकेशन ना जहाँ इंसान नहीं दिख रहा, लोग बात कर रहे थे. फिर हमने उनसे पूछा कि भैया कौन सा नेटवर्क, तो उन्होंने बोला जियो. और जियो का पोस्टपेड, क्योंकि ना यहाँ पे JNK एंड लद्दाख में ना प्रीपेड नहीं चल रहा, जियो का प्रीपेड हमारे पास है, लेकिन पोस्टपेड जिसके पास है ना भैया, किस्मत जबर है बेटा तुम्हारी. ओके जी, अच्छे पैच वाला जो रोड था वो ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे ख़राब पैच स्टार्ट हो गया. ख़राब तो नहीं बोलेंगे इसको, बस उबड़ खाबड़ है और गिट्टी से भरा हुआ बोलेंगे. आई थिंक ये रोड BRO बहुत तेज़ी से बना रही है, बहुत बहुत तेज़ी से. प्राइमरली इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो के कनेक्टिविटी टू पैंगोंग लेक, दूसरा चुसुल यहाँ से बहुत पास है तो चुसुल के लिए भी ये अल्टरनेटिव रूट रहेगा, और चुसुल से चाइना बहुत पास है. और यहाँ पे देखो, पुराना जो रोड था उसको पूरा डिमोलिश करके, मतलब उखाड़ के वापस से नया प्लेन, और या हो सकता है कि रोड एक्सपेंशन का भी काम चल रहा हो, रोड एक्सपैंड कर रहे हो. तो अच्छा यार, मतलब आने वाले कुछ सालों में क्या हो सकता है, अगले साल से ही यहाँ पे एकदम ताबड़ तोड़ रोड रहे जैसे अभी हमें पीछे मिल रहे थे. अभी फ़िलहाल तो सस्पेंशन का टेस्ट हो रहा है. ये है रोड का काम चल रहा है, आई थिंक आगे रोड एक्सपेंशन, देखो रोड एक्सपैंड किया हुआ है ना, ये यहाँ पे रोड तोड़ा हुआ है और इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर बना रहे हैं बॉस, प्रॉपर बना रहे हैं. अब चाइना वाले भी ना यार गजब हैं यार, मतलब साला बताओ चमगादड़ कौन खाता है बे, हैं मतलब साला हमारे यहाँ चमगादड़ जहाँ रहने लगे साला उसको खंडहर घोषित कर दिया जाता है. साला लोग उनमें भी जाके पकड़ पकड़ के चमगादड़ खा के पूरा वर्ल्ड में साला कोरोना फैला दिया, मूड खराब कर दिया बे, एकदम मूड खराब कर दिया. साला ये मास्क लगाने का चक्कर है ना भाई, कसम से मतलब सांस ही नहीं आती. साला एयर फिल्टर आदमी का एयर फिल्टर है ना मुंह नाक, ठीक है साला चोक, अब सांस ही नहीं आ रही आदमी को ऊपर हाई अल्टीट्यूड में, ज़िंदगी एकदम नर्क कर दी भाई वर्ल्ड की. तो जी हमें ये एक जगह दिख गई है, ये देखो रोड तोड़ के नया रोड जो बना रहे हैं. तो ये एक छोटा सा ब्रिज टाइप का दिखा है और ये वुडन है, तो एक बार जाके देखना तो बनता है. तो सोचा चलो एक ब्रिज का राउंड मार के आ जाए, ये हैंगिंग होता है एक्चुअली हिलता है. जाओ आगे जाओ आगे, हाँ देखो ये तो सही है, चलो आप जाओ आपके पीछे हमारा. अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गाड़ी लेकिन खुली हुई है, चलो ठीक है. सो ये आगे छोटे से विलेज है, चार पांच घर दिख रहे हैं, तो शायद उन्होंने, अरे यार ये ब्रिज गजब हिल रहा है हवा से भाई साहब, ये तो गजब ही हिल रहा है. तो ये विलेज में जाने का रास्ता है, इन्होंने गेट बंद किया हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड और मे बी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीज़न. ये बहुत ही प्यारी जगह है यार, बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब हवा इतनी मस्त चल रही है ना, जैकेट वैकेट निकाल दिया था बिकॉज यार ये वेदर को फील करना ना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इस प्लेजेंट एक्चुअली. तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, यहाँ तो मैं पता नहीं कितने सारे इंस्टाग्राम के लिए फोटोग्राफ्स लिए, बहुत ज़बरदस्त मज़ा है. पीछे देख सकते हो मतलब वाटर का फ्लो इतना अमेजिंग है ना, इतना सूदिंग है ना, प्लस ये देखो फ्लैग्स कैसे हिल रहे हैं. और भाई वो लोग तो वहाँ पे चले गए, ठीक है मेरा नीचे जाने का मन नहीं किया, आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस शॉट. सो जी हम पहुंच चुके हैं चुमांग थांग विलेज, और नदी अभी भी अपने पैरेलल चल रही है, और सामने एक दो ट्रक्स हैं. तो बस रोड थोड़े ख़राब, कभी अच्छे कभी ख़राब कभी अच्छे, मतलब बेसिकली रोड का पूरा रोड का काम हो रहा है. तो वो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे जो रोड्स बनने वाले ना गुरु, अगर एक बार बन गए तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अभी तो ख़राब रोड की वजह से, ऑफ रोड की वजह से बहुत लोग आते नहीं हैं. तो फ्लाइट बुक करो खट से आ जाओ, इसके पहले कि रोड बन जाए और सब मज़ा ख़राब हो जाए. सो चुमांग थांग में भी आपको बहुत सारे होम स्टेज के ऑप्शन मिल जाएंगे. एक्चुअली जब इस रोड पे आप आओगे तो आपको होम स्टेज के नाम और नंबर भी दिख जाते हैं, तो यू कैन स्टे हेयर एज वेल, एक दिन यहाँ पे रुक सकते हो. नदी का और ये जो ये रिवर बेड पे बैठ के टाइम स्पेंड करने का जो मज़ा है ना भाई, अलग है यहाँ पे, अलग है.
फ्लो ज़्यादा नहीं है, गहराई ज़्यादा नहीं है, मज़ेदार नदी यार, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। अभी तो फिलहाल रोड ख़राब ही है और आगे शायद अच्छा दिख रहा है कि रोड अच्छे हो जाए। बाकी चल रही है गाड़ी आगे, रिस्पेक्ट है पूरा। तो ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा वाटर क्रॉसिंग है, मतलब वाटर तो नहीं है बट क्रॉसिंग अभी है, बट जब इसमें पानी होता होगा ना भाई साहब, आतंक मचा देता होगा, तहलका, सीरियसली तहलका। लेकिन नज़ारे अलग ही है भाई, अलग ही है। मतलब अब रिवर थोड़ी दूर है बट रोड्स अच्छे हो गए हैं, कभी अच्छे खराब यही चल रहे हैं, और एकदम प्लेटू टाइप की ज़मीन आ गई है, बहुत ही सुंदर गुरु। सो जी हम पहुंचे माहे विलेज, और MAHE माहे, और यहां से अपने को कट जाना है, मतलब बेसिकली यहां से अपने को राइट लेना है, और राइट लेने के बाद ये ब्रिज हमें क्रॉस करना है, एंड देन आगे यहां चेक पॉइंट। अच्छा चेक पॉइंट, चेक पॉइंट सर, सोमुरीरी। हां जी, टूरिस्ट 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 परमिट है? हां परमिट है, एक परमिट पहले भी दिखाया था, फोटो कॉपी। हां ये सोमुरीरी दिखाया था वो पहले, जहाँ से उपसी में। हाँ, कितने लोग हैं आप? तीन लोग। एक्चुअली माहे से हम अंदर आ गए और अब है 62 किलोमीटर्स इसी रोड पे। अब इस ये रोड कितना सही रहता है कितना गलत पता नहीं। ये जो सामने उधर रोड है वो है हानले जाने के लिए, और हानले का परमिट हमने नहीं निकाला था बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हानले और एक और जगह चुसुल, ये सारी टाइम और धुआं उड़ा दो ना, भर दो साला मिट्टी से मेरे को। तो हानले चुसुल ये सारा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यू नो, हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके पास ना मोटिवेशन रहता है, भाई ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो देखना बाकी है, तो आप जल्दी जल्दी प्लान बनाते हो। और हम कह रहे हैं भैया, अगर देख रहे हो वीडियो और नहीं आयो, फ्लाइट बुक करो, आ जाओ, तुरंत आ जाओ।